इनके पास पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कर हुआ है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन घंटे में बताइए और एक डॉक्टर थे। जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 150 चले गए, कितने लोगों की मौत हुई, 150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लंबाई चले गए और एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं, आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एडमिट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है, ना डरो ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब ठीक हो जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है, ऑक्सीजन लगी दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है, दुनिया में विश्वगुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने यह है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे, किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे, आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, ना दवाई होगी, ना इंतजाम होगा और ना ऑक्सीजन होगा, तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। देखिए, सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है?
क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, कहां जा रहा है? देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना, और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोगों, पार्लियामेंट, दो दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यहाँ खड़े हम लोग? देखिए, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल्स सर्कल रिंग रोड, गुलबर्गा।